अभी हम लोग गाइस निकल चुके हैं गया से और अभी है गाइस गैलोर वाले रोड में और अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस दार्जिलिंग। तो अभी हम लोग राजगीर होते जाएंगे। मत तो गाइस फाइनली हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच चुके थे और सिलीगुड़ी पहुंच के हम लोग निकल चुके हैं गाइस दार्जिलिंग के की ओर। आपका व्यू दिखाऊंगा, अभी देख सकते हैं गाइस सामने का पहाड़ पूरा कुआ से भरा हुआ है। इधर भी देख सकते हैं पूरा कितना मस्त व्यू लग रहा है। और अब गाइस वो जो चढ़ाव वाला रोड था खत्म हो और दिमाग का जो टेंशन था गाइस खत्म हो चुका है मेरा पूरा। और देख सकते हैं गाइस ये व्यू चेक कर सकते हैं गाइस। साथ में जा रहा है और आशीष भी है और दो भाई लोग और भी है साथ में हमारे। तो अभी हम लोग गाइस निकल चुके हैं गया से और अभी है गाइस गैलोर वाले रोड में और अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस दार्जिलिंग। तो अभी हम लोग राजगीर होते जाएंगे मस्त दार्जिलिंग। और एक बार पहले भी मैं जा तो चुका हूँ उससे भी पहले, लेकिन उस टाइम ब्लॉग वगैरह नहीं बनाता था। और इससे पहले कुछ दिन पहले जब मैं गया था तो अपने ऑगी को लेके गया था, जैसे कि देखे थे हम लोग हर्षितों के साथ गए थे, दो बाइक दो बने ले गया था साथ में अपने। तो अभी हम लोग निकल चुके गाइस और अभी का टाइम देख सकते हैं 10:50 हो रहा है। अभी पता नहीं गाइस वहां कितना बजे तक हम लोग पहुंचेंगे। पहले तो गाइस हम लोग को कहीं रास्ता में खाना पीना भी खाना है और मस्त फ्यूल अप वगैरह भी कराना है। तो अभी पहले चलते हैं और रास्ता में कहीं पर फ्यूल अप कराते हैं क्योंकि गाड़ी को लग चुका है भूख गाइस और इसको फ्यूल अप करा के निकलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग भी कहीं खाएंगे राजगीर भी या कहीं भी रुक के, क्योंकि ढाबा वगैरह गाइस रात के टाइम में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये सब रोड में गाइस जल्दी ढाबा मिलता नहीं, मेन बात ये है। तो अभी चलते हैं जहाँ पे अगर ढाबा वगैरह दिखेगा तो वहाँ पे खा भी लेंगे और गाड़ी को भी फिलअप कराएंगे कहीं पे पेट्रोल पंप देख के। तो मस्त अभी चलते हैं गाइस। ये रहा गैलोर वाला रोड, अभी एक पेट्रोल पंप पे अभी हम लोग रुके हैं, यहाँ पे मस्त अभी फिलअप वगैरह करवाया जा रहा है और अभी यहाँ से करवाते हैं फिर चलते हैं बाकी अभी देखते हैं। रास्ता में हम लोग खाना वगैरह भी नहीं खाए थे, कहाँ पे खाते हैं अभी रास्ता वगैरह में खाना वगैरह भी खाना है। तो अभी गाइस पहले तो राजगीर वगैरह होते निकलेंगे और अभी रास्ता में पहले गया हूँ बट भुला रहा हूँ थोड़ा सा रास्ता, तो मैप को चेक करता हूँ राजगीर पहुँचने के बाद और उसके बाद फिर कहाँ कहाँ से रास्ता जाना है। अगले बार हम लोग गए थे तो वो पटना रोड से गए थे जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो अभी चलता हूँ मस्त और पहले ढाबा वगैरह कहीं देखता हूँ क्योंकि ये रात में भाई गाइस ढाबा ढूंढना बहुत मुश्किल है। निकल तो गए थे हम लोग उधर ही खा लेना चाहिए बट कोई नहीं, हम लोग को ढाबा कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा हाईवे पर। तो निकलते हैं मस्त पहले यहाँ से फिल अप करा के भी देख सकते हैं गाइस यहाँ पे भी फिल टंकी हो रहा है क्योंकि रास्ता में रात है, कहाँ पेट्रोल मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, थोड़ा रिस्क लेना सही नहीं है क्योंकि इधर का रूट मेरे को नॉलेज नहीं है मेरे। तो चलते हैं यहाँ से फ्यूल वगैरह करके निकलते हैं। गाइस ये रहा राजगीर द्वारा, अभी हम लोग राजगीर पहुंचने वाले और अभी यहाँ पे एक मंदिर भी पड़ता है रास्ता में आगे में। तो अभी वहाँ पे भी देख सकते हैं सारे लोग सिक्का वगैरह चेंज निकाल के रख लिया है क्योंकि वहाँ पे चढ़ाया जाता है, ऐसा अभी नियम है। दिखा दो शिवम। तो देख सकते हैं गाइस अभी कॉइन वहाँ पे चढ़ाया जाता है हमेशा, मतलब कि मेरे को ये बात पहले पता नहीं था, जब से पता चला है तो हम अगर रहता है तो चढ़ा ही देते, ऐसा नहीं है। और जल्दी इधर आना भी नहीं होता है, कितना दिन के बाद, वही तो बात है कितना दिन के बाद इधर से गाइस जाना है। तो यही रहा मंदिर देख सकते हैं ये वाला। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मंदिर रहा गाइस यहाँ पे, अभी काफी सारा मतलब देख सकते हैं यहाँ भगवान अच्छा से जाए, सेफ जर्नी अच्छा से जाए, अच्छा से आए फिर से हम लोग को यहाँ पे कॉइन चढ़ाने का मौका मिले। अरे यहाँ पर रोड देख सकते हैं गाइस और ये सब पहाड़ पे दिन में अगर आते हैं हम लोग ये रोड से तो आपको और भी मस्त व्यू दिखता है बट अभी रात है तो कोई नहीं। हमेशा तो हम लोग का जर्निंग जहाँ जहाँ हो रहा है अभी रात का ही हो रहा है क्योंकि रात में निकलते हैं सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं मस्त। तो अभी चलते हैं मस्त, अभी राजगीर में देखेंगे अगर कहीं पे होटल वगैरह मिलेगा खुला हुआ तो वहाँ पे खाएंगे, खा के भी नहीं आए थे हम लोग घर से। तो अभी पहले देखते हैं कहीं पे ढाबा या रेस्टोरेंट कुछ ढूंढते हैं खाने पीने के लिए क्योंकि खाना भी जरूरी है। तो गाइज अभी हम लोग मस्त राजगीर पहुंच चुके थे और अभी हम लोग यहाँ पे कार रुकवा के चेकिंग होने लगा था क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारे बिहार में जैसे कि आप लोगों को पता होगा लिक्विड वाला चीज जो होता है उसका बंदी है, तो शराब चेकिंग के लिए यहाँ पे चेकिंग लगा हुआ था। तो मस्त डिक्की वगैरह खोल के चेक हो चुका है और अभी हम लोग राजगीर पहुंचते हैं तो मस्त फिर खाना पीना खाते हैं कहीं पे। तो गाइस मस्त हम लोग का खाना पीना देख सकते हैं, ऑर्डर किया था हम लोग पनीर चिली और रोटी हम लोग आ चुका है और अभी हम लोग यहाँ पर से खाते हैं और निकलते हैं। अभी हम लोग को एक दिखा था राजगीर में ही और हम लोग को पता था कि राजगीर में कहीं ना कहीं खुला हुआ होगा, तो अभी मस्त भूख लगा हुआ है गाइस इसको खा के खत्म करते हैं और चलते हैं बाहर। ये होटल था जहाँ पे अभी हम लोग रुके थे खाने के लिए और मस्त खाना पीना हो चुका और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हम लोग को मैप भी सेट करना होगा क्योंकि इसके आगे रास्ता मेरे को कुछ पता नहीं है, बस अंदाज से जहाँ तक हम लोग हो सके बिहार शरीफ तक जा सकते हैं क्योंकि वहाँ तक तो दिखाई हुआ, उसके बाद फिर मैप वगैरह
सेट करके मस्त चलेंगे। और ये सब रोड में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इधर मेला लगता है राजगीर का, और अभी देख सकते हैं मेला के टाइम में जब रात में अभी कितना बज रहा है 11:30 हो रहा है इस टाइम में रात में, अगर आप आते हैं इतना ज्यादा इधर क्राउड मिलेगा कि इधर गाड़ी भी नहीं आने देता, और अभी का टाइम देख सकते हैं पूरा खाली है रोड। तो अभी मस्त चलते हैं, और अभी हम लोग काफी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है, अभी तो हम लोग लगभग 60-70 किलोमीटर आई है गया से, अभी हम लोग को 500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो अभी मस्त निकलते हैं और रास्ता में देखते हैं कहीं अगर रुकेंगे तो फिर दिखाऊंगा। अभी कुछ खाना पीना तो है नहीं, वैसे भी खाना वगैरह मस्त खा के निकल ही चुके हैं। और पता नहीं अभी इधर का रूट का कोई तो पता है नहीं कि कितना कटने वाला क्या कटने वाला है, तो अभी देखते हैं। और मस्त अभी ये पहला टोल टैक्स है, अभी ऐसा कितना टोल टैक्स मिलेगा रास्ता में कुछ भी नहीं पता गाइस। और अभी का टाइम देख सकते हैं 1:34 हो चुका है, और शिवम का गाड़ी में फास्टैग रिचार्ज है क्योंकि अभी हम लोग चेक कर लिए थे, और देख सकते हैं तुरंत खुल भी चुका है। फास्टैग वाला आके गाइस बहुत काम आसान कर दिया है यहाँ टोल टैक्स वाले लोग का, नहीं तो पहले इतना गाड़ी का जाम लगा हुआ रहता था, रुक रुक के मतलब कि टोकन कटाने का चेंज देना होता था, कितना चीज रहता था। फास्टैग बहुत ऑनलाइन जो हो रहा है जमाना बहुत चेंज हो गया गाइस। अभी चलते हैं मस्त, और बहुत मस्त मस्त रोड अभी मिल रहा है, लेकिन क्या बताऊं ब्लॉगिंग करूँ या गाड़ी चलाऊ समझ में नहीं आ रहा है। अभी बहुत दूर का सफर है, अभी लगभग देख सकते हैं इसमें मैप भी हम लोग कहाँ खोले हुए हैं, अभी देख सकते हैं 336 किलोमीटर और बचा हुआ है, 6:50 अभी टाइम दिखा रहा है। तो अभी मस्त चलते हैं और देखते हैं कहीं पे अभी एक चाय ब्रेक लूंगा, क्योंकि अभी सारे लोग सो रहे थे गाड़ी में, अभी ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए मतलब बोलना मैं स्टार्ट किया हूँ तो उठ गया है। तो अभी चलते हैं मस्त कहीं पे लेते हैं एक चाय ब्रेक। गाइस काफी देर चलने के बाद देख सकते हैं ये रहा गाइस नौगछिया 0 माइल है, और इस साइड अगर जाते हैं तो भागलपुर चला जाता है, इधर अगर जाते हैं सहरसा चला जाता है, और इस तरफ जाता है गाइस सिलीगुड़ी। तो अभी मस्त गाइस यहाँ पे मिला था हम लोग ढाबा, तो चाय पीने के लिए रुके हैं, और देख सकते हैं गाड़ी में शिवम भी सो रहा है, और इधर पीछे देख सकते हैं गाइस आशीष भी सो रहा है पूरा एकदम, क्योंकि दोनों लोग उतरे हुए हैं पीछे से। मस्त यहाँ पर पीते हैं चाय, क्योंकि काफी देर से बोल रहे थे चाय ब्रेक लेंगे चाय ब्रेक लेंगे, तो चाय भी हम लोग आ चुका है, दो भाई यहाँ पे पी भी रहे हैं, और मेरा चाय रखा हुआ है ये, तो इसको भी पीते हैं और चलते हैं आगे, क्योंकि अभी भी गाइस लगभग 250 किलोमीटर का सफर और है। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं सिलीगुड़ी 97 किलोमीटर दिखा रहा, और फाइनली गाइस पूरा रात कार ड्राइव करने के बाद अभी का टाइम देख सकते हैं 5:15 हो चुका है, और अभी भी मैप खोले हुए हैं, और देख सकते हैं सारे लोग सो रहे हैं गाड़ी में, और बस मैं अकेला जाग दूध लेके आ गया हूँ इन लोग को, और इन लोगों को भी पता भी नहीं है क्योंकि इन लोग जो हम लोग चाय पीने के लिए वहाँ पे रुके थे उसके बाद कहीं भी नॉन स्टॉप मार दिया हूँ, 2-3 टोल भी पार हुआ, मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया हूँ, क्योंकि मस्त गाइस फोकस करना था कार ड्राइव पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पहुँचना था, और मैं सोच रहा था जितना जल्दी पहुँचूंगा तो उतना जल्दी होटल में जाके मस्त रेस्ट भी करना, क्योंकि होटल वगैरह सारा कुछ बुकिंग है, क्योंकि पहले से जहाँ पे मिस्टेक कर चुके हो वहीं जा रहे हैं इस बार भी, तो कहाँ है क्या वो सब कुछ आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा गाइस। और अभी काफ़ी तगड़ा तगड़ा सीन बचा हुआ है इस ब्लॉग में बन रही, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला, मतलब इसलिए मैं ब्लॉग में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं हूँ, क्योंकि अभी का जो भी सीन है अभी से स्टार्ट होगा मेन जो है सिलीगुड़ी के बाद से ही, क्योंकि सारा जो घाटी वाला रोड है बहुत ड्रामा रोड है, जो भी होगा मैं आपको सीन दिखाऊंगा सारा कुछ, और अभी चढ़ाने का भी टेंशन, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है ये रोड पर, पता नहीं गाइस कैसा एक्सपीरियंस होने वाला नहीं होने वाला है, जो भी होगा मैं सब कुछ दिखाऊंगा। और अभी मस्त चलता हूँ, और अभी 5:16 हो चुका है देख सकते हैं टाइम, और अभी दिखता हूँ कितना बजे तक हम लोग होटल लगभग पहुँचते हैं, टारगेट तो गाइस लेके चले थे 9 बजे तक पहुँच जाएंगे, और अभी भी गाइस मैप पे 1:27 दिखा रहा और 95 किलोमीटर और बच रहा है गाइस, तो अभी देखते हैं ये भी डिस्टेंस को कवर करते हैं, और मस्त चलते हैं होटल पर और मस्त रेस्ट करेंगे। और बगल में गाइस रेनो वाटरफॉल है, वो मेरे को पता नहीं गाइस कितने किलोमीटर पे है, होटल के काफी नजदीक है वो, मतलब सबसे नजदीक वही है, और सोनाड़ा मोनेस्ट्री वगैरह भी बहुत नजदीक है, तो हम लोग दार्जिलिंग से कुछ दूर पहले ही होटल है अपना गाइस, तो वो होटल में हम लोग स्टे किए थे पहले जब आए थे तब, जब हम लोग ऑगिस आए थे उस टाइम, और इस बार भी वही स्टे करने वाला, सारा बात बात हो चुका है गाइस वहाँ पे, तो अभी मस्त वहाँ पे पहुंचते हैं, और अभी गाइस आपको सीन दिखाते हैं बने रहिए ब्लॉग में, काफी तगड़ा तगड़ा जो भी सीन दिखेगा मैं दिखाऊंगा। तो गाइस फाइनली हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच चुके थे, और सिलीगुड़ी पहुंच के हम लोग निकल चुके हैं गाइस दार्जिलिंग के की ओर, और अभी हम लोग रुके थे गाइस यहाँ पे मस्त कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए एक जगह पे, और ये वाला वादियों को देख सकते हैं गाइस, अभी का वादी जब इतना मस्त है, अभी ऊपर जाने के बाद और भी तगड़ा सीन दिखने वाला है, अभी चलते हैं मस्त आपको तगड़ा तगड़ा व्यू दिखाएंगे। बाकी गाइस मेरा कार पे फोकस रहेगा चलाने पे, क्योंकि सारा रोड जो है गाइस घाटी वाला है, तो अभी मस्त चलते हैं, जैसा जैसा सीन दिखेगा आपको दिखाऊंगा, बढ़ रही काफी मजा आने वाला है गाइस। तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा रुकता हूँ, और एक ब्रेक को उसके बाद अभी ब्रेक लिया हूँ जो वहाँ चाय पीने के बाद, तो अभी यहाँ पे रुक कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के निकलते हैं मस्त, और आपको आगे दिखाते हैं गाइस खतरनाक व्यू। गाइस अभी का व्यू चेक कर सकते हैं, अभी हम लोग नीचे ही रोड पे, और अभी से मतलब अभी घाटी स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो ये रोड पूरा एकदम सीधा है स्ट्रेट, और उसके बाद गाइस घाटी स्टार्ट होगा तब का व्यू दिखाऊंगा। अभी देख सकते हैं गाइस सामने का पहाड़ पूरा कुआ से भरा हुआ है, इधर भी देख सकते हैं पूरा कितना मस्त व्यू लग रहा है, और अभी बहुत तगड़ा तगड़ा सीन और भी दिखने वाला है गाइस। तो गाइस एक बार मैप देख लो गाइस रोड का कैसा सीन है, और अभी हम लोग देख सकते हैं घाटी स्टार्ट हो चुका है, और अब जो गाइस हैंडल करेगा आशीष मस्त पीछे से वीडियो करेगा,
जाएगा। जो भी होगा गाइस अब पीछे से दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस बहुत खतरनाक रोड होने वाला है। देख सकते हैं आप मैप में भी दिखाए थे जिगजैग किस तरह से है। तो अभी चढ़ते हैं, अभी तो हम लोग घाटी स्टार्ट हुआ, मस्त एक टोल आया था नीचे में और टोल कटवा के निकल चुके हैं। और देख सकते गाइस मौसम क्या मस्त होते जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊपर का देख सकते गाइस वेदर क्या मस्त हो रहा है। तो अभी चलते हैं और बाकी का गाइस जो भी सीन होता है अभी दिखाएगा आशीष पीछे से। तो देख सकते हैं गाइस अभी आशीष आपको नीचे का व्यू दिखाया था, क्या मस्त सीन लग रहा है ऊपर से। और अभी हम लोग को लगता है दो तीन लाइन चार लाइन ऊपर चढ़े होंगे और अभी से व्यू इतना तगड़ा आने लगा है। और हमारे पीछे गाइस एक और बिहार का क्रेटा आ रहा है, BR-22 पता नहीं किधर का है बट हमारे पीछे ही पीछे आ रहा है क्रेटा। तो अभी मस्त चलते गाइस, अभी और भी खतरनाक खतरनाक सीन दिखने वाला गाइस बहुत सारा। तो गाइस काफी देर चलने के बाद हम लोग लगभग अभी 10 किलोमीटर पीछे है अपने होटल से और अभी हम लोग होटल पहुंचने ही वाले थे, तो सोचे थोड़ा पीछे रुकते हैं क्योंकि अभी गाइस वो जो चढ़ाव वाला रोड था खत्म हुआ और दिमाग का जो टेंशन था गाइस खत्म हो चुका है मेरा पूरा। और देख सकते हैं गाइस ये व्यू चेक कर सकते हैं गाइस, अगर हम 5 मिनट तक यहाँ पर अगर टाइमलेस बना ले तो ये जो बादल है पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा देगा आप लोग को। बाकी गाइस नीचे का घाटी दिखाते हैं और ये रेलवे का पटरी है गाइस, जो टॉय ट्रेन आता है इससे, जिसमें आप मेरे पहले का ब्लॉग जाके देख सकते हैं जिसमें मैं आया था बाइक से, तो दिखाया हूँ उसमें। बाकी देख सकते हैं गाइज नीचे का व्यू क्या लग रहा है तगड़ा। तो अभी यही सब घाटी से हम लोग होते हुए आए गाइज ऊपर, अभी हम लोग को और ऊपर जाना 10 किलोमीटर। अभी सारे लोग यहाँ पे रुके थे मस्त फोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए और मेरे को गाइज थोड़ा सा रिलीफ लेना था क्योंकि पता नहीं गाइज टेंशन टाइप का लग रहा था और इन लोग को मजाक लग रहा है, पता नहीं किस बात का मजाक लग रहा है, खाली प्रैंक कर रहा है तो हंसाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा कोई बात नहीं था। मैं थोड़ा नर्वस हो चुका था क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ का 2-व्हीलर से, तो गाइज आ सकते हैं, उतना रिस्की नहीं है जितना 4-व्हीलर से गाइज रिस्की है क्योंकि गाइज यहाँ पर ट्रैफिक लगता है। अभी ये सब रोड आप खाली देख रहे हैं लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा सा कंजेस्टेड रोड है जहाँ पे गाइज मतलब कि पतला पतला रोड हो जाता है और वहाँ पे दो दो गाड़ी तीन तीन गाड़ी लाइन से मतलब ऐसे चढ़ाव पे रुका हुआ रहता है, ठल्ले का पीछे टेंशन होता है। जैसे कि अभी देख सकते हैं गाइज एक साथ दो दो सौ में बिकता जा रहा है, ऐसा सा कितना गाड़ी आगे जा चुका है, इसलिए गाइज ट्रैफिक होने का संभावना रहता है कोई कोई टाउन में। जैसे कि हम लोग दार्जिलिंग जा रहे थे उसके बीच में गाइज काफ़ी सारा पड़ता है, पता नहीं कौन कौन सा, मेरे को नाम भी नहीं पता क्योंकि इधर का थोड़ा सा नेपाली टाइप का गाइस नाम होता है तो मेरे को उतना नॉलेज है नहीं इधर का, जितना मेरे को नॉलेज है मतलब बता रहा हूँ। बाकी गाइस एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था यहाँ आने का कि कल ही प्लान बना गाइस सुबह में और हम लोग कल ही निकल चुके हैं रात में और मस्त पहुँच भी चुके हैं। अभी 10 किलोमीटर है, अभी चलते हैं मस्त होटल पर, आपको मिलवाते हैं मैम से भी। बाकी गाइस बने रही ब्लॉग पर, अभी आगे भी और भी मज़ा आने वाला, जो भी सीन अगर अच्छा दिखेगा मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। बाकी गाइज इसके बाद अभी काफ़ी खतरनाक खतरनाक ब्लॉग आने वाला, मतलब पहले भी वो सब चीज़ घूम चुके हैं लेकिन अभी कब इधर जैसे कि गया मैं गाइज अभी 47 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ का टेम्परेचर आप लोग मेंटेन देखना, अभी हम लोग टी शर्ट में दिख रहे गाइज, शाम तक अभी होते होते हम लोग स्वेटर पहनना पड़ेगा इतना हम लोग को पता है क्योंकि अभी गाइज अभी का टाइम बज रहा है, पता नहीं टाइम लगता है लगभग 9:30 या 9 बज रहा होगा या 8:30 बज रहा होगा, पता नहीं गाइज टाइम मेरे को क्योंकि मैं टाइम देख के निकला नहीं हूँ। तो अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग को स्वेटर पहनना पड़ेगा, अभी तो और ऊपर जाना है और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ऐसा नहीं है। और हम लोग बाइक से भी जब आए थे तो हम लोग वहाँ से राइडिंग जैकेट पहन के आए थे, अंदर से इनर वगैरह नहीं पहन के आए थे बट यहाँ आने के बाद हम लोग को नीचे रुक के पहनना पड़ा था इनर वगैरह। तो अभी चलते हैं मस्त निकलते हैं। देख सकते हैं जिस चीज़ का आप लोग को डर था ट्रैफिक का वही चीज़ अभी आप लोग को मिल चुका है गाइस, और यही होता है ट्रैफिक, अभी रोड हल्का ऐसा चढ़ा हुआ है और इस टाइप में गाड़ी को होल्ड किए हुए हम लोग और जब भी बढ़ाना पड़ता है गाइस तो इसके लेटर देकर बढ़ाना पड़ता है, यही पे मेन टेंशन होता है। अभी पीछे रुके थे कितना बस और थोड़ा बहुत सीन जो भी दिखा था, मैं एक दो क्लिप डालूंगा जो भी मैं रिकॉर्ड किया आशीष पीछे से। बाकी गाइस अभी उधर से गाड़ी आएगा, पता नहीं गाड़ी कितना गाड़ी आ रहा है, बस गाड़ी पे गाड़ी जा रहा है, बस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पता नहीं गाइस अभी ये ट्रैफिक में कितना टाइम लगने वाला। और मात्र हम लोग का 3 से 4 किलोमीटर और बच रहा है जहाँ पे हम लोग का होटल है। हाय मैम, आई एम फाइन। तो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल पे और अभी चलते हैं मस्त, देख सकते हैं मैम रही। और हम लोग नेक्स्ट बार जब आए थे तो हम लोग का रूम ये वाला था, अच्छा ये वाला दिए हैं तो ये वाला रूम मिला है गाइज अभी हम लोग को, इससे पहले जो था हम लोग को वो बगल वाला रूम मिला था नेक्स्ट बार। तो अभी मस्त गाइज यहाँ पे अभी पहले बैग वगैरह रखते हैं उसके बाद आप लोग से बात करते हैं और बाहर का व्यू दिखाते हैं यहाँ से। अभी हम लोग का अंदर रूम में आते के साथ यहाँ पे अभी चाय आ चुका है, बिस्किट आ चुका है और आशीष तो चाय पीना भी स्टार्ट कर चुका है और सारे लोग का फोन लग चुका है चार्ज में, मेरा भी फोन हो चुका है डिस्चार्ज क्योंकि ब्लॉग बनाते हुए आए गए और बाहर का व्यू दिखाते हैं कितना मस्त व्यू यहाँ से सामने से, वैसे भी मैं पहले दिखा चुका हूँ, देख सकते हैं गाइज क्या मस्त व्यू लग रहा है यहाँ से।
एकदम तगड़ा सा। तो ये सब दिखा चुका हूँ पहले, एक बार आया था तो ये रूम था मेरा और ये हर्षित लोग का था। तो अभी यहाँ पे गाइस देख सकते हैं व्यू, बाकी कार नीचे पार्किंग में लगाए हैं और ये रहा अपना रूम जो मैं अभी दिखा दिया हूँ। तो गाइस अभी का सफ़र मस्त हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं सेफली, और अभी हम लोग यहाँ पे आधा एक घंटा दो घंटा रेस्ट करके उसके बाद गाइस निकलेंगे मस्त घूमने के लिए। क्या बोल रहे हो भाई चाय के बारे में थोड़ा? बहुत अच्छा। तो भाई दार्जिलिंग में हो तुम, यहाँ टी का खेती होता है। तो यहाँ टी का खेती होता है गाइस, यहाँ मशहूर है दार्जिलिंग का टी। हम लोग इतना चाय पत्ती यहाँ से ले जा चुके हैं गया। तो अभी गाइस मस्त अभी यहाँ पर रेस्ट करते हैं और नहा धोआ के फिर गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी गाइस ये ब्लॉग यहीं तक था, ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अच्छा नहीं होगा सब्सक्राइब, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी, तीन बटन से।